हेलो। हाँ, सो ये ट्रेड लाइव चल रहा है, इसमें मैंने स्टॉप लॉस डाल दिया है यहाँ पे। एंड दिस इज़ माय एंट्री पॉइंट, दिस इज़ स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। और माय टारगेट हेयर 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 और हेयर, वेर एवर प्राइस गोस। सो लेट्स सी। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब एक बार आपने किसी सपोर्ट पे एंट्री ली है, उसके बाद वहाँ पे आपको वेट करना पड़ता है एक रीटेस्ट बनने का। सो यू कैन सी दिस इज रीटेस्ट। तो उसके बाद एसएल को एकदम एग्जैक्टली यहाँ पे सेट कर देता है, क्योंकि अगर ये रीटेस्ट जो हुआ है उसका लो टूट जाता है तो प्राइस आपको नुकसान में क्लोज करेगा। तो यहाँ पे अगर प्राइस इसका लो टूटता है तो $6 का प्रॉफिट मिनिमम होगा हमें, और अगर नहीं तोड़ता है तो हम फुल टारगेट लेंगे। सो दिस इज़ अ मैटर टू एक्चुअली आपको कि मतलब कि अगर आपको लगता है कि आपका लेवल सही काम कर रहा है, उसके बावजूद भी अगर वहाँ पे डबल टॉप नहीं बनना चाहिए, मतलब आपको नुकसान देने वाला, क्योंकि प्राइस कभी कभी क्या होता है जैसे कंटिन्यूशन पे तो वो फेल हो जाता है। बट इस कंडीशन में जब रीटेस्ट बना हुआ है और उसके नीचे आपने देखा फिर से रीटेस्ट बना है, अभी ये तोड़ता है तो ये फेल हो जाएगा लेवल ये वाला, फिर हो सकता है बहुत इसका लो तोड़ दे, वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। तो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा तो हम क्या होता है कि यूजली व्हेन वी ट्रेड इमोशन में आ जाते हैं, साइकोलॉजी में आ जाते हैं, वो होता है इस पीएनएल के कारण, कि इस पीएनएल में यू सी $18 लॉस। ओके, बट दिस इज जस्ट ए नंबर। अगर हम ग्रीड ना करें, इसको जस्ट नंबर मान लें कि पॉइंट्स है, बट इफ़ यू मतलब आपको ग्रीड है या फिर पैसे की ज़रूरत है, उसके कारण आप होल्ड नहीं पा कर पा रहे हो, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको इस चीज़ टेक्निकल से दूर ले जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं डालोगे क्योंकि आपको डर रहता है कि प्राइस यहाँ आ जाएगा, यहाँ जाके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आपको आप थोड़ा सा मतलब अपने को ब्रॉड रिस्क को थोड़ा ब्रॉड रखते हो, जो कि बिल्कुल गलत होता है। सो फर्स्ट कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस यहाँ होता है पैटर्न बनने के बाद, ब्लाइंडली बाई किया था लेवल पे, लेकिन जब ये हैमर बन गया है तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ सेट होता था, फिर उसके बाद जब रीटेस्ट बना तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ सेट हो गया। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको कि ये रीटेस्ट मैंने बताया कि ये फेल फेल नहीं होता, अगर होता है तो $6 प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी ट्रेड, और क्योंकि काफ़ी टाइम ले सकता है, और उसके बाद ये वाले जो टारगेट है आपके ये अचीव होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे टारगेट सेट कर दूंगा कि ये जो है हमारा लेवल है 36,910, और आपको लगता है इस तरीके से रीटेस्ट जहाँ हो रहा है, जैसे आपने देखा ये रीटेस्ट है, यहाँ फिर आया था प्राइस रीटेस्ट करने, तो आप अपने एसएल को यहाँ भी ट्रेल कर सकते हो। बट अगर ये जो सेकेंड फर्स्ट रीटेस्ट होता है वही मेजर होता है, उसके बाद जितने भी रिटेस्ट हैं वो फेल हो सकते हैं। ओके, सो मतलब अगर आप क्विकली प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो यहाँ पे अपना एसएल ट्रेल कर सकते हो, अदरवाइज अगर मतलब यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है क्योंकि हो सकता है प्राइस एक इसका लो छू के फिर ऊपर जाए, लेकिन ये जो लो है ये मेजर लो है और ये नहीं टूटेगा, और अगर ये टूटता है तो ये ट्रेड फेल हो जाएगा, लेकिन ये टूटता है तो भी ट्रेड फेल नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि दिस इज़ द इस तरीके से समझाओ तो प्राइमरी रीटेस्ट एंड दिस इज़ अ सेकेंडरी रीटेस्ट, दिस इज़ अ सेकेंडरी रीटेस्ट। इसके बाद जितने भी आ रहे हैं सब सेकेंडरी रीटेस्ट हैं, दिस इज़ प्राइमरी रीटेस्ट।
सो इन दिस कंडीशन ये इसको लो को नहीं तोड़ना चाहिए। ये हमारे टारगेट के आसपास ही है, हालांकि 32,960 यहाँ पे आप देख रहे हो मेरा फर्स्ट टारगेट है। वैसे है तो 36,966, बट 6 पॉइंट पहले ही मैं निकलना चाहूँगा, लेट्स सी। अभी एक और रिटेस्ट बना सकता है, बट आई थिंक $40 इज इनफ, सो आई एम एग्जिटिंग ऑन दिस फर्स्ट लेवल, जो क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हो फिर प्राइस गिर गया है। ये एक रिटेस्ट और बनाएगा और प्राइस एक्चुअली देखिए जो लेवल्स के क्लस्टर्स होते हैं लाइक दिस वन दिस वन दिस वन, तो प्राइस क्लस्टर्स में मूव होता है और हर एक क्लस्टर पे प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो उस तरीके से यहाँ पे रिजेक्शन आते हैं। सो रिजेक्शन जो आते हैं उसमें आपकी होल्ड करने की कैपेसिटी कितने कितनी है वो डिपेंड करता है। सो दिस वाज अ क्विक लाइव ट्रेडिंग वीडियो अबाउट हाउ टू, जैसे ही आपका ट्रेड आपके फेवर पे जाता है, अपने डायरेक्शन पे जाता है, आपको SL को ट्रेल करना होता है कि एटलीस्ट मिनिमम अमाउंट जो है वो बुक हो जाए इन द केस दिस लेवल फेल्स। ये एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है जो सभी को यूज़ करनी चाहिए। हालांकि ये जो PNL चलता है यहाँ पे, अभी कहाँ ये $18 था, ये $40, लेकिन अगर आप सोचते $18 इज इनफ या फिर मैं $6 का लॉस, नहीं, आप $6 का प्रॉफिट बुक करो ट्रेल में, वो भी सही है, लेकिन ये आपको जैसे $40 प्रॉफिट है तो वो जो SL ट्रेल करते हो आपको $40 के नुकसान से भी बचाएगा। सबसे बड़ी चीज़ आती है ट्रेडिंग में कैपिटल मैनेजमेंट, कि हम अपने कैपिटल को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं और प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो कैपिटल रहेगा देन वी कैन वी विल हैव अनदर चांस टू ट्रेड। So I hope that video was helpful. Thanks for watching.